संकेश कृपया बताइए, असुरों को अश्व उच्चश्रवा प्राप्त होने के पश्चात अब क्या समुद्र मंथन से निकलने वाली निधि अमृत था? उसके पश्चात तो कुछ और ही उत्सर्जित हुआ। फिर सुंदर अप्सराएं उत्सर्जित हुईं और देवताओं को ही उनका भी साथ प्राप्त हुआ। असुर महाराज बलि शांत अवश्य थे, किंतु उनके असुर अब धीरज खो रहे थे, निराशा की ओर बढ़ रहे थे और वहीं स्थित रहने पर विवश थे। अप्सराओं का सानिध्य प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले असुरों को राजा बलि ने रोककर उन्हें शांत और स्थिर रहने का आदेश दिया, जिससे वो अपने मुख्य ध्येय पर अपना ध्यान केंद्रित रख सकें, अमृत प्राप्त कर सकें। इसीलिए अप्सराएं भी देवताओं को ही प्राप्त हुईं। अप्सराओं के पश्चात अब तो इस बार अवश्य अमृत ही उत्सर्जित हुआ होगा, है ना लंकेश? अभी नहीं गौरी पुत्र, अपितु इस बार तो वो निधि चंद्रमा थे। चंद्रदेव तो औषधि विज्ञान के साथ अन्य कलाओं के भी प्रतीक हैं, जो माता लक्ष्मी अर्थात श्री के विद्या लक्ष्मी रूप ही है। इसलिए श्रीहीन होने पर चंद्रदेव भी लुप्त होने पर विवश हो गए होंगे ना लंकेश? आपने पुनः सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप चंद्रदेव का उत्सर्जित होना तो देवता और असुर दोनों समूहों के साथ स्वयं सागर मंथन के लिए संकट का कारण बन गया था। सागर में आए इस तूफान का क्या कारण है? इस तूफान की स्थिति में हम समुद्र मंथन कैसे करेंगे? अब ये नवीन संकट क्या है? चंद्र, ये तो चंद्रदेव हैं, जिनका प्राकट्य सागर से हुआ है। इन्हीं के प्रभाव के कारण क्षीर सागर में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हुई है। चंद्र के प्रभाव से समुद्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यदि वो वही स्थित रहे तो हम इस समुद्र मंथन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि समुद्र में इतनी अशांति रही तो संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। चंद्रदेव, कृपा कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कीजिए, अपने प्रभाव को शांत कीजिए। चंद्रदेव शांत हो जाइए, चंद्रदेव, अन्यथा सागर मंथन यहीं रुक जाएगा। हमारी गुहार सुनिए चंद्रदेव, इस स्थिति को विकट होने से बचा लीजिए। संकट की इस अवस्था में सागर मंथन सर्वथा असंभव हो गया है। नहीं देवराज, जब तक समुद्र से अमृत उत्सर्जित नहीं होता
तब तक ये मंथन हम कदापि नहीं रोकेंगे। और यदि तुम में से किसी भी देवता ने रुकने का प्रयास किया तो प्रलय के पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ हाँ ऐसा ही होगा, जो भी देवता रुकेगा उसका अंत होगा। बली की जय, बली की जय, बली की। ये असुर तो अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, यदि अमृत इनके हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। किंतु अमृत की सुरक्षा और असुरक्षा के विचार का औचित्य भी तो तभी है जब समुद्र मंथन संभव होगा। इसके लिए हमें चंद्रदेव तक अपनी गुहार पहुंचानी होगी। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या इसके परिणाम स्वरूप सुरों और असुरों के मध्य संग्राम ही छिड़ गया? स्थिति तो कुछ ऐसे ही उत्पन्न हुई थी गौरी पुत्र, किंतु फिर समय रहते ही कुछ ऐसा घटित हुआ जो सर्वथा अद्भुत था। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, रत्न साधु शरासन। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, रत्न साधु शरासन। रजताश्रीनिकेतनम् सिरनीकृत भगिरमच्युतायन सायकाम्, क्षिप्रदक्षिदिवालयैर अभिवन्दितम् चंद्रशेखरमाश्रये। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। अर्थात प्रभु महादेव ने विषाक्त हलाहल से सृष्टि की रक्षा की और नीलकंठ महादेव कहलाए। उसी प्रकार प्रभु महादेव चंद्र की शीतल ऊर्जा की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए और चंद्रशेखर नाम भी स्वीकार किया। और उनके ऐसा करने पर ही पुनः समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हो सकी और इस बार मंथन के परिणाम स्वरूप जिनका प्रकाट्य हुआ देवताओं के अतिरिक्त किसी अन्य को भी उनकी प्रतीक्षा थी। हर हर महादेव। हमारा वैभव लौट आया, पुनः सबल हो गए हम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री हरि नारायण। जय श्री हरि नारायण। जय माता लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी। जय या देवी सर्व भूतेषु विष्णु। प्रणाम प्रभु। नमस्तस्यै नमो नमः। महाराज ये तो हमारे लिए सर्वथा उचित रहेगी। हम इस सुंदर स्त्री को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं मेरे असुरों, देवी लक्ष्मी के सौंदर्य से भ्रमित ना हो।
अपने लक्ष्य पर स्थित रहो। मात्र और मात्र हमें अमृत चाहिए। कितने आनंद का क्षण है ये, क्योंकि अब प्रभु श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा समाप्त हुई। इनका पुनर्विनर्थ इनके विवाह से ही पूर्ण हो। इस प्रकार श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन सफल हुआ और सागर मंथन के संपन्न होते ही उनका विवाह भी हुआ। अब आप किन विचारों में डूब गए हैं गौरी पुत्र? मैं तो बस श्रीहरि नारायण के विवाह की कल्पना कर रहा था। अच्छा आप बताइए लंकेश, फिर आगे क्या हुआ? अब सागर मंथन से क्या उत्सर्जित हुआ? देवी लक्ष्मी के आगमन के उपरांत श्रीहीनता से मुक्त होकर समस्त देवता एक नवीन उत्साह से भर गए थे और पूर्ण शक्ति से मंथन में जुट गए। असुरों ने भी अपने उत्साह और शक्ति से समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दिया और फिर वो क्षण आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा असुरों और देवताओं को बड़ी आतुरता से थी। तो मैं किसी भी प्रकार पी कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बस अब अमृत मुझे प्राप्त होने ही वाला है। अरे ये अमृत कलश कहाँ चला गया? आश्चर्य, ये अमृत कलश अचानक से कहाँ अदृश्य हो गया? देवताओं बताओ हमें अमृत कलश कहाँ गया? असुरो तुमने क्या किया अमृत कलश के साथ? ये तो एक अत्यंत ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी देवताओं के लिए लंकेश, कि अमृत कलश कहाँ लुप्त हो गया। किसी और को ज्ञात हो या ना हो, किंतु आपको तो ज्ञात था ना गौरी पुत्र। कदाचित आपको उनकी स्थिति पर आनंद आ रहा होगा गौरी नंदन, परंतु देवता और असुर अब दोनों ही दबाव में थे और फिर देवता एवं असुरों के मध्य एक कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हमसे छल मत करो देवताओं, हमें बताओ तुमने कहां छिपा रखा है अमृत कलश?
अन्यथा तुम में से कोई भी अमृत पान करने हेतु शेष नहीं बचेगा। मरण रहे असुरों, हम देवता श्रीहीन नहीं रहे, इसलिए हमें कम मापने की भूल मत करना। बताओ कहाँ है अमृत कलश, उत्तर दो, अन्यथा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। देवताओं, मेरे और मेरे असुरों के धैर्य की परीक्षा मत लो। मुझे बताओ कहाँ है कलश, कहाँ है अमृत कलश? तुम हमें बताओ असुरों, कहाँ है अमृत? हर हर महादेव! असुर राज बलि की जय! ना वो देवताओं के पास है, ना असुरों के पास। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवे। ओम ध्यौ। वो तो किसी और की ही इच्छा से अदृश्य हुआ है। पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। न असुरों ने और न ही देवताओं ने, दोनों ने महागणाधिपति जी की पूजा नहीं की थी। ब्रह्म शांति सर्व शांति। तो आप दोनों को बिना विघ्न के अमृत कलश कैसे प्राप्त हो सकता है? शांति रेधि। ओम। इस विघ्न से मुक्त होना चाहते हैं तो विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश की पूजा कीजिए। तो वहां उस उदर के भीतर है अमृत कलश। अब हम असुरों को इस अमृत कलश को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। Oh,
हे प्रभु महागणाधिपति जी, इस समुद्र मंथन के विशाल प्रक्रिया के पूर्व हम देवताओं से आपकी आरती ना करने का महादोष हुआ है, उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु। कल्याण हो। सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। यसुर तो धन्वंतरी जी के निकट जा पहुंचे हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। इन असुरों का इतना तो साहस। देवगण, वो स्थान जहां आपने अर्थात प्रभु गणाधिपति जी ने देवताओं को आशीष दिया था, वो स्थान अब अमृत घटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। उसी स्थान पर ऋषि मार्कंडेय ने प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या कर जीवन दान प्रदान किया था, किंतु अब उसी घाट पे असुरों ने अपनी कपटी योजना के सहारे देवताओं से अमृत चुराने का षड्यंत्र रचा। मैं अचंभित हूँ कि इतनी भक्ति के साथ मेरी पूजा करने के पश्चात भी अंततः असुरों ने पुनः छल एवं प्रपंच का मार्ग ही चुना। हाँ गौरी पुत्र, एक कुटिल कपटी असुर सर्व भानु के कारण अमृत कलश असुरों को प्राप्त तो हो गया था, किंतु उन्हें आपका अर्थात प्रभु गणाधिपति का आशीष कहाँ प्राप्त था। देवताओं का अनुसरण करते हुए असुरों ने देवताओं की ही भांति अग्नि की ज्योति को हाथ में रखकर अग्नि की ज्योति के स्थान पर प्रचंड अग्नि को ही हथेली पर रखकर पूजा की थी, किंतु उनकी भक्ति में निष्ठा नहीं थी और बिना भक्ति भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं। वहीं दूसरी ओर पूर्ण श्रद्धा से एक बार भी जपा गया प्रभु का नाम ही सर्वथा पर्याप्त है लंकेश। किंतु तब वो असुर मेरे समान बुद्धिमान नहीं थे, उनकी भक्ति में हीनता थी, इसलिए उनका विघ्न टला नहीं था, अपितु उनके समक्ष एक और बड़ा विघ्न उत्पन्न होने वाला था। असुर सर्वभानु अमृत कलश के साथ पाताल की अतल गहराई में तो पहुंच गया था, किंतु शीघ्र ही अन्य असुर भी वहीं पहुंच गए और अमृत पान करने की मांग करने लगे। और फिर सर्वप्रथम कौन अमृत पान करेगा, वो सभी तो इसी होड़ में उलझ कर रह गए थे। गौरी पुत्र, असुर उस अमृत को ना तो देवताओं के साथ बांटने के इच्छुक थे और ना ही पाताल में एक दूसरे के साथ। वो तो ये भूल ही गए थे कि लालच की अति सर्वनाश का आमंत्रण है। हाँ गौरी पुत्र, और उस विनाश का आरंभ हुआ श्री हरि नारायण के हस्तक्षेप से। देवताओं और देवी लक्ष्मी की गुहार सुन श्री हरि नारायण ने वही अवतार लिया जो भस्मासुर के अंत का भी कारण बना था। प्रभु का मोहिनी अवतार। Ah
आपके मामा श्री हरि नारायण को तो स्त्री रूप धारण करने में क्षणिक संकोच भी नहीं हुआ। किंतु उसमें अनुचित क्या है लंकेश? पुरुष के भीतर उसका स्त्री रूप ही उसकी शक्ति होता है। और सत्य तो ये भी है कि पुरुष रूप में महादेव की शक्ति श्री हरि नारायण बनकर प्रकट होती है और स्त्री रूप में माँ पार्वती बनकर। और अब महादेव की ही शक्ति श्री हरि नारायण के माध्यम से एक भिन्न अर्थात मोहनी अवतार के रूप में प्रकट हुई थी। तो माया और मोह का प्रयोग कर असुरों को प्रलोभन देकर उनसे अमृत प्राप्त करने हेतु श्री हरि नारायण ने अपना मोहिनी अवतार रचा था। आप इतने शीघ्रता से कहां पढ़ते चले जा रहे हैं? अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य है सुंदरी का। जो देखे कोई तन मन जीवन हारे। वो रहा अमृत कलश, ये हमारा है। ऐसा सौंदर्य तो मैंने कभी नहीं देखा। इस सुंदरी का सानिध्य प्राप्त हो तो धन्य हो जाऊं मैं। सभी इस अमृत का पान करने हेतु एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ये कितनी लज्जा की बात है। ये सुंदरी कह रही है तो उचित ही कह रही होगी। ये व्यर्थ के संघर्ष को रोकने के लिए यदि मैं अपने हाथों से ये अमृत पान करा दूं तो उचित होगा ना? हाँ, उचित रहेगा, सर्वथा उचित। हमारा है अमृत। और हम देवता इसे लेने आए हैं। अमृत तो मसूरों को प्रदान नहीं किया जा सकता, इसलिए उचित यही होगा कि तुम अमृत हमें सौंप दो। समुद्र मंथन के पश्चात जब असुर अमृत कलश को लेकर पलायन कर गए तो मामा जी श्री हरि नारायण अपने मोहिनी रूप में उसे पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। वास्तव में देवी मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपा था श्री हरि नारायण की वो छलपूर्ण योजना जिसकी सहायता से उन्होंने सभी असुरों को अपने मुंह के पाश में बांध लिया था।
मेरे विचार से आप में से ना तो किसी ने ये अमृत पान किया है और ना ही उसे कभी देखा है। फिर सर्वप्रथम इसे पाने के लिए आप मूर्तापूर्ण संघर्ष क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग? मैं कुछ समझा नहीं देवी। बहुत सरल बात है, अमृत का घनत्व कलश के तल में अधिक होता है और उसकी सतह पर कम, और अमृत का वास्तविक गुण उसी अंश में होता है जहां वो सबसे अधिक घना होता है, और ऊपरी सतह का द्रव्य तो अधिक प्रभावी नहीं होता। उचित कह रही हूं ना? मुझे इनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास, इसलिए असुर राज होने के नाते मैं सभी असुरों को आदेश देता हूं कि अमृत वितरण देवताओं से आरंभ किया जाए। इस प्रकार मोहिनी अवतार के सौंदर्य से प्रभावित होकर असुरों ने उनकी समस्त अवस्थाओं को स्वीकार किया और उनके द्वारा पुनः छले गए। छल पर विजय तो छल से ही पाई जा सकती है लंकेश। किंतु नारायण भी ये भूल गए थे कि असुर भी छल में किसी से कम नहीं थे। एक कर देवता तो अमृत का पान कर रहे हैं, किंतु कहीं हमें प्राप्त होने के पूर्व यह अमृत कलश अमृत से रिक्त हो गया तो? ये देवता नहीं है। हाँ देवी, ये हम में से कोई देवता नहीं है। अमृत पान कर लिया मैंने। छल किया है तुमने। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता मुझे, क्योंकि अमृत पान कर लिया मैंने। किंतु शीष विलग होने के पूर्व स्वरभानु अमृत पान कर चुका था। हाँ गौरी पुत्र, और इसीलिए उसका अंत नहीं हुआ था। उसके शरीर और उसके शीश जीवित शेष थे, और उसी दिन से सर्वभानु के शीश का नाम पड़ा राहु, और उसके शरीर का नाम हुआ केतु, और आज तक राहु सूर्य और चंद्रदेव के प्रति शत्रुता का भाव रखता है और उन्हें प्रभावित कर सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्हीं दोनों के कारण ही तो पूर्व के स्वर भानु की योजना विफल हुई थी। और अन्य असुरों का क्या हुआ दशानन? वो अमृत पान से रुकने पर कैसे तैयार हुए? वो कहां तैयार हुए, और वो स्थिति
एक युद्ध में परिवर्तित हो गई, किंतु अब तो देवता पुनः यथावत हो गए थे। नारायण के छल के कारण और श्रीयुक्त होकर उन्हें बल और अमरत्व दोनों पुनः प्राप्त हो गए थे, इसलिए उन्होंने सरलता से असुरों को पराजित कर स्वर्ग असुरों से छीन लिया। नहीं, मैं अभी इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। विजय प्राप्ति के उपरांत भी इंद्रदेव अपने सिंहासन पर स्थित क्यों नहीं हुए? क्योंकि तब प्रथम बार उनकी बुद्धि उनका साथ दे रही थी। सिंहासन ग्रहण करने के पूर्व वो ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद लेना चाह रहे थे। सृष्टि के आप ही नाथ, शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी आप सभी अब उचित मार्ग पर लौट आए हैं देवगण और देवराज इंद्र, यह आपका अनुशासित आचरण ही है जिसके कारण आप सिंहासन पर स्थित होने के पूर्व मुझसे आशीष प्राप्त करने यहाँ पधारे हैं। इस घटना के उपरांत आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया होगा कि जो अनुशासन को अपने जीवन का आधार बनाते हैं उनकी पृष्ठ श्री हरि नारायण के कुर्म अवतार के समान शक्तिशाली और दृढ़ होती है। वो अपने प्रत्येक उत्तरदायित्व को निभाने में सक्षम हो जाते हैं और जिनके व्यवहार में अनुशासन की शक्ति होती है वो प्रभु नीलकंठ के समान हलहल विष का पान करने में भी सक्षम हो जाते हैं। किसी भी कठिनाई का सफलतापूर्वक सामना कर उस पर विजय प्राप्त करने हेतु सबल हो जाते हैं। अब मेरा आशीष आपके साथ है, किंतु स्मरण रखिएगा, ऐसा तभी तक रहेगा जब तक आप अनुशासन का पालन करेंगे। अद्भुत, प्रभु ऋषि दुर्वासा ने तो देवताओं को आशीष के साथ चेतावनी भी दे दी और ज्ञान भी, जिसके साथ ही उन्होंने उत्तम जीवन का एक नवीन नियम भी स्थापित किया कि अनुशासन जीवन का आधार उसकी शक्ति है जिसके बिना कभी किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अब हमें ऋषिवर के दर्शन हेतु उनकी स्तुति आरंभ करनी चाहिए। लंकेश, मेरा एक सुझाव है गौरी पुत्र, एक बार मैं आपको प्रभु के समस्त अवतारों की कथा सुना दूं, तब हम एक साथ ही सभी की स्तुति भी कर लेंगे। मुझे ऐसा आभास हो रहा है लंकेश, जैसे आपको भी भय है कि कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा आपको कोई कठोर शाप ना दे दें। नहीं गौरी पुत्र। किंतु आप क्यों चिंता करते हैं, क्योंकि आपने तो उनकी कथा ही सुनाई है। कोई भूल कहाँ की है जो आप उनके शाप के भागी बनेंगे? हाँ हाँ, सर्वथा उचित कहा आपने गौरी पुत्र, मैंने कोई भूल कहाँ की है? उचित है फिर तो प्रभु की स्तुति आरंभ करते हैं। हाँ, किंतु आइए ना लंकेश। त्रयंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। त्रयंबकं सदा शिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते।
हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उभारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। मेरा भी प्रणाम, स्वीकार कीजिए प्रभु। कल्याण हो। कहीं प्रभु ऋषि दुर्वासा भी मेरे हाथों में प्रभु शिव शंकर शंभु के आत्मलिंग को देखकर क्रोधित तो नहीं हो जाएंगे? लंकेश, आप तो स्वयं को प्रभु महादेव के महंतम भक्त मानते हैं, जिसने स्वयं प्रभु से उनके आत्मलिंग प्राप्त किया, फिर अनुशासन प्रियता का उदाहरण प्रस्तुत कर अपनी भक्ति का प्रमाण दीजिए मुझे। जब तक मैं और मेरे शिष्य नर्मदा नदी से पावन स्नान कर लौटते हैं, तब तक आप मेरे और मेरे सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश, कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं, इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रहिए। और इसका स्मरण अवश्य रखना लंकेश, कि मैं अनुशासन के प्रति कितना कठोर हूं, इसलिए यदि हमारे यहां लौटने तक आपने भोजन की व्यवस्था नहीं की, तो आज तक आपने जो भी प्राप्त किया, मेरे शाप के प्रभाव से वो सब कुछ खोने के लिए तैयार रही है। इस निर्जन वन और अल्प समय में प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके एक सहस्त्र शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था मैं कहां से करूंगा? किंतु ऋषिवर और उनके शिष्य यहां अतिथि के रूप में पधारे हैं, इसलिए अतिथि सत्कार के नियम का पालन करने हेतु आपको ये कार्य तो संपन्न करना ही होगा लंकेश। गौरी पुत्र, यहाँ तो मेरे पास यही फल हैं, जो मैंने प्रभु के आत्मलिंग पर अर्पित किए थे। यदि मैंने ऋषिवर और उनके शिष्यों के भोज हेतु इन फलों का उपयोग भी किया, तो भी मैं उन सभी को एक छोटा सा भी भाग प्रस्तुत नहीं कर सकूंगा गौरी पुत्र। और यदि मैं एक छोटा सा भी अंश प्रस्तुत करने में सफल भी हुआ, तो भला उससे किसका उदर भरेगा? किंतु आपको ऋषिवर की इच्छा पूर्ति हेतु भोजन प्रस्तुत करने का कोई उपाय तो करना ही होगा, अन्यथा यदि आपने उनका क्रोध जागृत किया तो उसका परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना तो आप स्वयं कर लीजिए लंकेश। गौरी पुत्र सत्य कह रहे हैं, प्रभु ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो कदाचित मुझे भस्म ही कर देगा। क्या ये सर्वथा असंभव कार्य नहीं सौंप दिया? प्रभु शिव के अवतार ऋषि दुर्वासा ने मुझसे ऐसा निवेदन कर ये कैसी यंत्रणा दे रहे हैं मुझे? नहीं नहीं लंकेश, ये यंत्रणा नहीं, मात्र आपके आराध्य के अवतार का एक छोटा सा अनुरोध है। आपके अनुसार ये छोटा सा अनुरोध है, तो उस अनुरोध को पूर्ण करने में आप ही मेरी सहायता कीजिए ना गौरी पुत्र। आप तो विघ्नहर्ता हैं, सभी के विघ्न हरते हैं, तो मेरा भी ये विघ्न हर दीजिए ना। हे गजानन, आप तो संसार के समस्त संकट हरने का सामर्थ्य रखते हैं, समुद्र मंथन के समय भी आपकी ही पूजा से वो मंथन संभव हो सका था, इसलिए मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मुझे इस विपत्ति से उभारिए, मुझ पर कृपा कर यहाँ भोजन का प्रबंध करवा दीजिए। हमारे संवाद में इतनी बार भोजन शब्द का उच्चारण हुआ, तो मुझे भी
भूख का आभास होने लगा है लंकेश। भूख। चतुर 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 ज्ञानी। लंकेश, मैं इन्हें ग्रहण कर लूं? मुझे ज्ञात है आप मुझे प्रसाद ग्रहण करने से कदापि नहीं रोकेंगे, है ना लंकेश? तो मैं ग्रहण कर ही लेता हूँ। गौरी पुत्र? नहीं नहीं, गौरी पुत्र। आह, अत्यंत स्वादिष्ट। गौरी पुत्र, ये कैसा अन्याय है? गौरी पुत्र, यहाँ मैं आपसे विनती कर रहा हूँ और आप स्वयं अपना ही उधर भर रहे हैं। अनुपम स्वाद है इनका। रुक जाइए गौरी पुत्र, रुक जाइए। गौरी पुत्र रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूं? गौरी पुत्र, भोजन की व्यवस्था करने के विपरीत आपने तो उसे ही अपना आहार बना लिया जो मेरे पास था। चतुर गणेशा। ये कैसी सहायता की आपने गौरी पुत्र? जैसे आप तो यही कामना कर रहे हैं कि मैं ऋषिवर दुर्वासा के प्रचंड क्रोध का भागी बनूं। कुछ भी शेष नहीं रहा, यहाँ निकट में जो भी था वो एकत्र कर लाया था मैं। फिर अब मैं भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? अब प्रभु ऋषि दुर्वासा के शाप से मेरी रक्षा कैसे होगी? और वो आएंगे तो मैं? आएंगे नहीं लंकेश, वो तो आ गए हैं। इतने शीघ्र कैसे लौट आए ऋषिवर? अब दंड स्वरूप उनका शाप पाने के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। तो आपने अभी तक भोजन की व्यवस्था नहीं की लंकेश। वैसे भी हमारा उधर भर चुका है और तृप्त होने के उपरांत मात्र स्वाद हेतु भोजन करना अन्न का अपमान है जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। अर्थात आपको भोजन की कोई इच्छा नहीं है प्रभु? नर्मदा नदी में पूजा करते समय हमें ऐसा आभास हुआ जैसे स्वयं ब्रह्म स्वरूप प्रभु ने तृप्त होकर हमें भी तृप्त कर दिया हो। और सत्य तो यह है कि हमारी जीवा पर अभी भी इस वन के फलों का स्वाद है। अर्थात गौरी पुत्र जिन फलों का भोजन कर रहे थे वो मेरी ही सहायता हेतु था, क्योंकि उन्हीं फलों से ऋषिवर और उनके शिष्य तृप्त हुए। तो ये सब पार्वती नंदन गणेश जी की ही कृपा है। अद्भुत। प्रभु,
ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौरी पुत्र। हल आपने ग्रहण किए, उधर प्रभु ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों का भरा, और रक्षा मेरी हुई। ऋषिवर, यदि आप भोजन करने के इच्छुक नहीं हैं, तो आप मुझे अपनी अन्य सेवा करने का आदेश दीजिए। मेरे द्वारा प्रभु के दर्शन में व्यवधान उत्पन्न किया लंकेश ने। आप जो भी अनुरोध करेंगे उसे लंकेश रावण यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा, क्योंकि मैं तो कुछ भी करने में सक्षम हूँ। आपको तो ज्ञात होगा ऋषिवर, लंकेश रावण ने प्रभु शिव शंकर शंभु को प्रसन्न कर उनसे उनका आत्मलिंग प्राप्त किया है, और आपको भी अपनी सेवा और अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का सामर्थ्य है मुझ में। ये सामर्थ्य नहीं अहंकार है लंकेश। आपके इस अहंकार के लिए आपको दंडित करना अनिवार्य है। तो क्या ऋषिवर मुझे शापित करने जा रहे हैं? वैसे तो मेरे क्रोध से सदा संसार का कल्याण ही हुआ है, किंतु जब स्वयं प्रभु महागणाधिपति जी यहाँ उपस्थित हैं, तो फिर इस अवस्था में मेरे किसी हस्तक्षेप का भला क्या औचित्य है? लंकेश रावण, प्रभु के आत्मलिंग के साथ आप कभी लंका नहीं पहुंच सकेंगे। आत्मलिंग से वंचित कर मैं तो अभी आपको एक उचित पाठ सिखाने जा रहा था, किंतु पार्वती नंदन गणेश है आपके साथ, मात्र इसीलिए मैं आपको नहीं रोक रहा हूं। वास्तव में महान है गौरी पुत्र, विघ्नहर्ता है जिसका साक्षी आज मैं स्वयं बना हूं। आपने मुझे प्रभु के सभी अवतारों की स्तुति करवाई, और अब मैं आपकी स्तुति करने का इच्छुक हूं। आप अपनी इच्छा अवश्य पूर्ण करें लंकेश। शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं
भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् लंकेश, कहीं आप पुनः मुझे संशय की दृष्टि से तो नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं गौरी पुत्र, ये सत्य है कि संपूर्ण समय मैं आप पर संदेह करता रहा, इसका विचार करता रहा कि आप मेरे समर्थन में हैं भी अथवा नहीं। किंतु अब मैं स्पष्ट समझ गया हूँ कि आप इस यात्रा में मेरे मित्र, मेरे सहायक के रूप में मेरे साथ हैं। आज का दिवस ढलने में अधिक समय शेष नहीं है गौरी पुत्र, किंतु आज मैं सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका अवश्य पहुंचूंगा। ऋषि दुर्वासा का वचन कदापि सत्य नहीं होगा, फिर भले ही कोई भी मेरे समक्ष ही क्यों ना आ जाए। ये वचन आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है लंकेश, और अहंकार तो सदा ही विनाशकारी होता है। लंकेश, महादेव के एक अवतार की कथा तो मुझे भी ज्ञात है, जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि अहंकार सबसे बड़ी आत्मघाती शक्ति है, और अपने अहंकार से अहंकारी जीव स्वयं अपना ही विनाश करता है। हाँ गौरी पुत्र, ये तो प्रभु अवधूत की कथा है, जिनके क्रोध से तो इंद्रदेव के अस्तित्व पर ही संकट उत्पन्न हो गया था। आपको प्रभु के इन अवतार की कथा ज्ञात है गौरी पुत्र, इसलिए आपके मुख से ही उनका वर्णन सर्वथा उचित होगा। प्रभु के इन अवतार की कथा तो मैं सुनाऊंगा। प्रभु, मेरे प्रभु। मूषक जी आप? प्रणाम प्रभु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मूषक? और तुम हमारा पीछा करने लगे? पीछा? नहीं लंकेश, मैं तो आपके साथ चल रहा था। किंतु आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मेरे प्रभु प्रथम पूज्य गणेश जी के मित्र हैं आप, तो मैं भी उनका मित्र और सेवक होने के कारण आपका भी तो मित्र हुआ ना। इस कथा के मुख्य पात्र केवल देवराज इंद्र और महादेव ही नहीं, स्वयं मेरे प्रभु श्री गणेश भी है। तो ये कथा सुनाने सर, मैं कैसे खो सकता हूँ? उचित है मूषक जी, आप ही हमें ये कथा सुनाइए। अवश्य प्रभु। तो सुनिए, समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी के पुनः लौटने के पश्चात श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्विवाह होने जा रहा था, और उनके विवाह की संपूर्ण तैयारी भी हो गई थी। उस विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अति उत्साहित थे मेरे प्रभु गणेश जी भी, किंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी जिस पर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था। क्या था वो मूषक जी, बताइए। यही कि श्री हरि नारायण की ओर से तो मेरे प्रभु गणेश जी को विवाह का निमंत्रण ही नहीं आया। कब कहां कौन किस महान कार्य से जुड़ेगा ये किसी को ज्ञात नहीं होता,
इसलिए कोई छोटा हो अथवा बड़ा सबका सम्मान होना चाहिए।